जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। घाघीजी सेंट्रल जेल में बंद दुष्कर्म के सजायाफ्ता कैदी की जेल में हुई है मौत। गंभीर बीमारी के इलाज के दौरान सजायाफ्ता कैदी की जेल में मौत हुई है। 12 साल पहले टेलको थाना के थीम पार्क में गैंग रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल में ही गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक कैदी की जेल में ही मौत हो गई है। गंभीर बीमारी के कारण जेल में मौत हो गई है। दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और इलाज के दौरान मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गैंग रेप के आरोप में आजीवन कारावास की मिली थी सजा और जेल में ही गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा था, कैदी की मौत हो गई है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या है पूरी खबर? देखिए, जो जानकारी हमने कि अंदर सजा याफ्ता कैदी जो कि 12 वर्ष पहले टेलको थाना अंतर्गत थीम पार्क में दुष्कर्म की घटना घटी थी, जिसमें इसे आरोपी बनाया गया था, इस मृतक कैदी को आरोपी बनाया गया था, जहां साक्ष्य मिलने पर न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और आजीवन की सजा सुनाने के बाद से ही ये जेल में। आज सुबह जब अचानक से तबीयत बिगड़ी तो जेल प्रबंधन द्वारा आनंद फानन एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये गंभीर लाइलाज बीमारी से ये ग्रसित था, जिसकी वजह से मतलब जेल में ही इसकी पुष्टि हुई थी। इनकी जो कैदी की बीमारी जो है वो जेल में ही पुष्टि हुई थी, तब से जेल में ही इनका इलाज चल रहा था। आज सुबह अचानक जेल में ये मूर्छित अवस्था अन्य कैदियों ने देखा तो जेल में जो तैनात जो सिपाही है उसको जानकारी दी गई, तो फिर जेल प्रबंधन के जो जितने भी जेलर और सुप्रिंटेंडेंट हैं इन्होंने आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि हमने परिजनों से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई है। जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और परिजन भी जो है वो एमजीएम अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन जो भी बात जो सामने आ रही है, क्योंकि जेल प्रबंधन के सुप्रिंटेंडेंट से भी हमने बात करने की कोशिश की तो बातचीत नहीं हो पाई और जेलर से भी बात करने की कोशिश की बात नहीं हो पाई, तो ये जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी थी जिसकी वजह से वो ग्रसित था। 12 वर्ष पहले टेलको थीम पार्क में दुष्कर्म की जो घटना घटी थी उसमें ये आरोपी था, जिसमें साक्ष्य मिलने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, तब से जेल में ही बंद था और अभी फिलहाल एमजीएम में इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रतर कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।